सेना का जिक्र जब जब हुआ है शौर्य पराक्रम और बलिदान के कारण ही ज्यादा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसमें सेना के कुछ अधिकारियों समेत कुल 16 जवानों पर केस फाइल कर लिया गया है। मामला थाने में घुसकर कुछ पुलिस कर्मियों की कथित तौर से पिटाई किए जाने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद इन पर हत्या की कोशिश और डकैती समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। दरअसल आरोप ये लगा था कि 28 मई की देर रात सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 3 अधिकारियों समेत कुल 16 जवानों ने कुपवाड़ा थाने पर अचानक पहुंचकर कुछ पुलिस वालों से कथित तौर से मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन सभी पर केस फाइल किया गया। इसके पीछे की जो कुछ वजहें चर्चाओं में हैं, उसके मुताबिक पुलिस की एक टीम ने किसी मामले की छानबीन के सिलसिले में कुपवाड़ा के बटपोरा इलाके में प्रादेशिक सेना के एक जवान के घर पर कथित तौर से छापेमारी की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के ऐसे एक्शन से सेना की स्थानीय यूनिट में कथित रूप से रोष फैल गया, जिसके बाद वे थाने में घुसे और वहां जाकर कथित तौर से मारपीट की। बताया जा रहा है कि पुलिस के जिन जवानों से मारपीट की गई, उनकी हालत अब स्थिर है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के मुताबिक कुपवाड़ा थाने में तैनात विशेष पुलिस अधिकारी रईस खान, इम्तियाज मलिक और सिपाही सलीम मुश्ताक और जहूर अहमद को मंगलवार देर रात सौरा स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, धारा 186, धारा 332 और धारा 365 समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस फाइल किया है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद श्रीनगर में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस और सेना के जवानों के बीच झड़प और पुलिस कर्मियों की पिटाई की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों और प्रादेशिक सेना इकाई के बीच किसी परिचालन मामले पर मामूली मतभेद हुआ था, जिसे शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा लिया गया है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।